कल यानी मंगलवार के दिन यूपी के किसानों का मंगल हो गया। चुनावी वादे के मुताबिक यूपी की योगी सरकार ने सारे तो नहीं लेकिन ज्यादातर किसानों के कर्ज माफ कर दिए। राज्य सरकार ने इसे ऐतिहासिक फैसला कहा है। रामनवमी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के व्यापक हित में यह फैसला ले लिया। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी योगी सरकार की पहली कैबिनेट का। प्रधानमंत्री जी ने जनता से वादा किया था कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज माफी पर निर्णय लिया जाएगा, आज वो निर्णय लिया गया है। पूरे कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि इतना बड़ा काम किया गया है। सबका साथ सबका विकास, तो इस फैसले में कोई वर्ग भेद नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है, सबके लिए है, सारे किसान भाइयों के लिए है। जो कहा सो किया, योगी सरकार ने वो फैसला ले ही लिया जिसे सुनने के लिए यूपी के किसानों के कान तरस रहे थे। खुश तो है ही, अगर मान लीजिए नहीं कुछ है तभी थोड़ा बहुत तो राहत किसानों को मिल ही गया है। आपने जो है ये बहुत अच्छा काम किया, मैं लाख लाख आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 4 लाख हमारे ऊपर है, 1 लाख रुपया हम जो है अगर माफ हो गया, 3 लाख का इंटरेस्ट जो है साल भर में जो 2 लाख रुपया हो जाएगा। किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ हो गया है, भले ही कर्ज ली गई रकम ज्यादा हो। इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं, लेकिन फिलहाल 31 मार्च 2016 तक फसली कर्ज लेने वाले 86 लाख किसानों को ही फायदा होगा। इसके साथ ही 7 लाख किसानों के 5,630 करोड़ रुपए के एनपीए को भी माफ कर दिया गया है, यानी ऐसे कर्ज जो चुकाए न जाने की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं और कर्ज मिलना बंद हो जाता है। दोनों फैसलों के लिए योगी सरकार को कुल 36,359 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। ये केंद्र सरकार इसको लोन दे नहीं रही है माफी का, और इसको हम बॉन्ड के माध्यम से इसको हम लोग रेज करेंगे इस पैसे को, जिसको किसान राहत बॉन्ड कहा जाएगा। और कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर कोई 77-78% पड़ता है जीडीपी का हिस्सा, उसमें ये लाभ मिलेगा, उनको मुख्य धारा में वापस आने का फायदा मिलेगा। किसानों की कर्ज माफी का वादा खुद पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में किया था। गेहूं, धान, कीटनाशक और खाद के लिए जिस भी किसान ने जहां से भी लोन लिया है उसकी माफी की इसमें प्रस्ताव है, इसमें माफी की योजना है। लेकिन विपक्ष खासकर एसपी को अब भी एतराज है। अखिलेश यादव ने कहा है वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं। 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, यह गरीब किसानों के साथ धोखा है। 1 साल का जिनका कर्ज है उनका कर्ज माफ किया है 1 लाख रुपए तक का, तो बेहतर ये होता पहले मरहले में उन लोगों का कर्ज माफ करते जिन पर बड़ी रकमें हैं, छोटे किसान हैं और पुराना कर्जा है और ब्याज उनका बहुत ज्यादा है। कर्ज माफी को लेकर एबीपी न्यूज ने उन किसानों से फिर बात की है जिनसे कैबिनेट की बैठक से पहले बात की थी। तब किसानों ने कर्ज माफी की उम्मीद जताई थी और अब इनमें से ज्यादातर किसान खुश हैं। सबसे पहले चलते हैं सीएम योगी के घर गोरखपुर, सुरेंद्र पांडे और हरीश चंद्र। सुरेंद्र पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है, तो वहीं हरीशचंद्र पर है 1,10,000 रुपए का कर्ज। हरीशचंद, जिनको आप सुबह आपने टीवी पे देखा होगा, हरीशचंद जी आप बताएं कितना कर्जा था और अब जो है 1 लाख तक? 1,10,000 था जी। सरकार 1 लाख तक कर्जा माफ कर रही है जी। तो सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ये हैं। आप लोग खुश हैं इस फैसले से? खुश तो है ही, अगर मान लीजिए नहीं कुछ है तभी थोड़ा बहुत तो राहत किसानों को मिल ही गया है। इन दोनों किसानों के पास कमाई का दूसरा साधन नहीं है, इसलिए ये फैसला इनके लिए बहुत बड़ा है। हमने कल कैबिनेट की बैठक से पहले आपको मिलवाया था मुरादाबाद के किसान कल्लू से। कल्लू पर 60,000 रुपए का कर्ज था। कल्लू अब कर्ज माफ होने के बाद योगी आदित्यनाथ को दुआएं दे रहे हैं।
हमारे साथ हैं कल्लू किसान, जिनसे हमने कल भी बात की थी, अब इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। ये बताइए कि सरकार ने कर्जा माफ कर दिया 1 लाख रुपए तक का, आप पर कितना कर्जा था और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, शुक्रिया करता हूँ मैं आपका योगी साहब, मतलब ये आपने ये बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत परेशान गरीब आदमी है, लाख लाख आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे के लिए भी मैं आपके लिए तैयार हूँ। कल्लू छोटे किसान हैं, लेकिन उन पर एक बड़े परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी है। कर्ज माफी के बाद झांसी के किसानों के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखी। अठोदना गांव के किसान अब योगी और मोदी से बिजली के बिल माफ करने और रोजगार के नए रास्ते बनाने की आस लगाए हुए हैं। उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि यहाँ एक तो हमें लाइट की समस्या है, खेतों पर लाइट नहीं है, यहाँ रोजगार भी कुछ खुलना चाहिए, डेली है या कोई ऐसी फैक्ट्री भी खुल जाना चाहिए। जो उन्होंने जो कर्ज माफ किया है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के किसान कहते हैं कि ये फैसला छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा है। 1 एकड़ में खेती कर अपनी जीविका चलाने वाले महेश पाल के मुताबिक गाँव के किसान अब खुश हैं। इधर गाँव में तो बहुत लोग कर्ज ले चुके हैं, लेकिन उसको भरना बहुत ही मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि अगले साल अभी बाढ़ आ गई थी, हम लोगों की तमाम खेतियां नुकसान हुई थी। जो आप लोगों ने कर्ज लिया था, भरने में दिक्कत हो रही थी, सरकार के इस फैसले से क्या कहेंगे सरकार से? हम लोग तो बहुत खुश हैं इस फैसले से। यही राय कमोबेश दूसरे किसानों की भी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।